सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अग्रणी संस्था जवाहर फाउंडेशन द्वारा अजमेर जिले के 15,000 छात्र छात्राओं को डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए फाउंडेशन के प्रभारी राजेश वर्मा एवं शिव कुमार बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संकल्प डिजिटल राजस्थान, डिजिटल सीखो, डिजिटल सिखाओ अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए जवाहर फाउंडेशन के व्यवस्थापक अध्यक्ष एवं समाजसेवी रिजू झंझरवाल की पहल पर स्वाभिमान शिक्षा अभियान के तहत अजमेर जिले में लिंक्डइन के सहयोग से 15,000 छात्र छात्राओं को डिजिटल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी एवं निजी स्कूल के कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को डिजिटल शिक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वाभिमान शिक्षा अभियान के प्रभारी रोहित माथुर, लोकेंद्र पांड्या, महेश चौहान, मामराज सेन ने बताया कि डिजिटल शिक्षा प्रोजेक्ट के तहत हार्डवेयर, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इंटरनेट, डिजिटल फाइनेंशियल टूल की लैपटॉप पर व्यवहारिक जानकारी एवं प्रैक्टिकल 30 घंटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। जवाहर फाउंडेशन सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम के तहत 3 बड़े कार्यक्रम अपने चला रही है, जिसमें सर्वप्रथम स्वाभिमान भोज है, जहां 1 रुपये में हम भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। आज हमारे 10 सेंटर हैं, 10 सेंटर पर 4,000 से ज़्यादा लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो परिकल्पना थी, कोई भूखा ना सोए, उसको साकार करने के लिए फाउंडेशन ने अपने तरफ से इस चीज़ के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इसके तहत हम स्वाभिमान जल के माध्यम से स्वच्छ जल भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान सरकार के आह्वान पे आज सभी आप लोगों को पता है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए डिजिटल सिखाओ, डिजिटल पढ़ाओ अभियान जो गहलोत साहब ने शुरू किया है, उसकी परिकल्पना को हम लोग भी साकार कर रहे हैं। और आज उसी परिकल्पना के तहत जो है स्वाभिमान शिक्षा में हम लोगों ने डिजिटल लिटरेसी के अंदर पिछले 2 वर्षों से हम लगातार अजमेर और भीलवाड़ा के कई चयनित स्कूलों में सिखा रहे हैं, जहां 10,000 से ऊपर बच्चे को हम बेसिक एजुकेशन के अंदर ट्रेन कर चुके हैं, जिनके सर्टिफिकेट्स इस वक्त उपलब्ध हैं। कल हमारा अजमेर के अंदर माध्यमिक भवन के सभागार में कल हम लोग इस सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम करेंगे। स्वाभिमान शिक्षा और स्वाभिमान जल और स्वाभिमान भोज, उद्योगपति एवं समाजसेवी रिजू झंझरवाला जी की तरफ से सामाजिक सरोकार के तहत में काम करने की जो परिकल्पना सोची गई थी, उसको साकार करने में जितने भी हमारे लोग लगे हुए हैं, ये सभी लोग इसको आम जन तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। और जिन बच्चों को हम सिखा रहे हैं, उन बच्चों को सिखाने के बाद जो सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं, आगे भविष्य में उनको इन सर्टिफिकेट के माध्यम से कोई ना कोई मदद मिलेगी और उनके आत्मविश्वास और स्वाभिमान दोनों को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ नर्सरी में थाईलैंड, मलेशिया, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, बेंगलोर, यूपी में पाए जाने वाले फ्लो के पौधे और आयुर्वेदिक वास्तु नक्षत्र के पौधे मिलने का एकमात्र स्थान धनराज नर्सरी फॉर्म, नागौर रोड, पुष्कर कोटी।